हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ छोटा सा किचन गार्डन। किचन गार्डन में हमने बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। लगाई क्या हुई हैं देखिए, ज़रा मूली, गोभी और ये राई है, ये पहाड़ी राई है। पहाड़ी राई बहुत ही टेस्टी होती है। उसके बाद आप देखो, ये ज़रा देखो, ये लहसुन है। लहसुन के पत्तों की चटनी बहुत अच्छी होती है, और जब लहसुन की का छोंक लगा दिया तो वो टेस्टी हो जाता है। ये है मेथी, इसे कसूरी मेथी भी कहा जाता है। ये मेथी जो है हमने बड़े उससे उगाया है, चाव से उगाया। जब हम इसको बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये हम पहाड़ी में कलूं बोलते हैं, लेकिन मटर का एक छोटा सा रूप है। ये कलूं कलूं बोलते हैं पहाड़ी में। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं, तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि बोला ये क्या है। ये देखो, हमने बीन्स लगा रखी हैं। बीन्स में बड़े बड़े अच्छे फल आए हैं, लंबे लंबे बीन्स देखो दिखाई दे रहे हैं जस्ट। आप हाँ, हमारे चैनल में ज़रा विजिट करते रहिएगा, आपको बड़े अच्छे अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगी। और देखो, देखिए, ये बहुत ही मतलब ग्रीनरी देख के बड़ा आनंद आता है। यहाँ पे एक हल्दी, ये हल्दी जो है, हल्दी अभी उसका मौसम ये हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो इस वजह से इसकी पत्तियाँ काट दी जाती हैं। ये मूली है, छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं मूली के। उसके बाद इसमें जब जड़ें बड़ी हो जाएंगे तो हम मूली का चाव से खाएंगे। अब दूसरा खेत जो है, इसमें भी लहसुन लगा रखा है। लहसुन अभी छोटा छोटा है। उसके बाद उसके बगल में से मूली लगा रखी है, और बीच बीच में राई के पौधे हैं, और ये देखो अरहर। उसी खेत में हमने छोटे से किचन गार्डन में ये अरहर लगा रखी हैं। अरहर के जो बीज दिखाई दे रहे हैं ऊपर, जो पहाड़ी भाषा में इसको कोशे कहते हैं, कोशे के अंदर बीज हुआ करता है। अभी देखो, ये हमारी दीदी लोग ये खेत में मेहनत करते हैं बहुत अच्छे ढंग से, तो इनकी वजह से हम बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियां खाते हैं। देखो बहुत ही सुंदर ये हरी राई और मूली की जो पौधे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं।